न्यू इन्फॉर्मेशन फॉर लर्नर्स। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा, कुछ स्टूडेंट मुझे बोल रहे थे अगर हम पेपर में बैक स्पेस यूज़ करेंगे तो हमारे मार्क्स रिडक्शन होगी। आपने ये दिमाग में नहीं बिठाना कि अगर हम बैक स्पेस यूज़ करेंगे तो हमारे मार्क्स कट जाएंगे। आपके किसी भी तरह से बैक स्पेस यूज़ करने से आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। सो ये अगर आप गूगल पर सर्च करोगे ना पीटी स्कोर गाइड, तो आपको ये सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस पता लग जाएंगी, इंट्रोडक्शन से लेके ओवरऑल स्कोर, कम्युनिकेटिव स्किल्स स्कोर्स, इनेबलिंग स्किल्स स्कोर्स, तो आपको पता लगेगा कि इसमें इंस्ट्रक्शंस क्या हैं, स्कोरिंग कैसे होती है, ओवरव्यू क्या है, पार्शियल क्रेडिट क्या है, करेक्ट और इनकरेक्ट क्या है। ठीक है, आपको इसकी पूरी की पूरी नॉलेज मिलेगी, इसमें होता क्या है, कैसे कैसे हमें स्कोर मिलते हैं, कैसे वो स्कोर कार्ड बनता है। ठीक है, ये देखो रीड अलाउड के बारे में सब कुछ बताया हुआ है इन्होंने, रिपीट सेंटेंस के बारे में सब कुछ। सो इन चीज़ों के ऊपर आपने ध्यान देना है। अगर ये मैंने भी बहुत सुनने को आया, मुझे ऑनलाइन भी आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे, तो ये देखो ये बैक स्पेस है ना हमारी, इसके किसी भी तरह के हमारे मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे। आप यूज़ कीजिए, आपकी टिप्स एंड ट्रिक्स में प्रॉब्लम हो सकती हैं, आपकी राइटिंग के टेम्पलेट में प्रॉब्लम हो सकती हैं, तो सो दैट्स वाई आपके मार्क्स नहीं आ रहे। आप अपना क्या बोलते हो, सर मैंने बैक स्पेस यूज़ किया तभी मेरे मार्क्स नहीं आए, ऐसा कुछ भी नहीं है यार, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर कुछ होता तो उन्होंने पीटी स्कोर गाइड पे बता देना था, इंस्ट्रक्शन में बता देना था कि आपने बैक स्पेस कम यूज़ करना है या यूज़ नहीं करना। अगर हम ऐसे लिखेंगे, लिखते लिखते टाइप में गलती होगी तो बैक स्पेस ही करेंगे ना, तो फिर ऐसे आप क्यों क्या करते रहते हो, भी सर मैंने यूज़ किया तो मेरे मार्क्स नहीं आए, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपने किसी भी तरह का कुछ भी जानना चाहते हो पीटी के बारे में, पीटी स्कोर गाइड ओपन कीजिए गूगल पे जाके, वो आपको सब कुछ बताएंगे जेन्युइनली, जो कोई भी किसी भी तरह का फेक इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। आप फेक इन्फॉर्मेशन से दूर रहिए प्लीज़। सो इसको पूरा का पूरा रीड कीजिए, आपको ये सब कुछ बताएंगे, इनेबलिंग स्किल्स, वोकैबुलरी, स्पेलिंग, ग्रामर, ये कैसे कैसे इंटरकनेक्टेड, कैसे पीटी इंटरकनेक्टेड है, तो कम्युनिकेटिव स्किल्स कैसे आते हैं हमारे, इनेबलिंग स्किल्स कैसे, ओवरऑल स्कोर का टोटल कैसे लगता है, तो इस चीज़ का आप ध्यान दीजिए। देखिए ना, द आइटम टाइप इज रेटेड ऑन कॉन्टेंट, फॉर्म, वोकैबुलरी, स्पेलिंग, ग्रामर, डेवलपमेंट, स्ट्रक्चर एंड जो भी कुछ होता है। द आइटम इज़ फर्स्ट स्कोर्ड ऑन कॉन्टेंट, ये सारा का सारा है ना जो हमारा डिपेंड करता है हमारे पीटी स्कोर कार्ड के ऊपर, सब कुछ बता देते हैं हमको सब, हमें हर एक पीटी के इंट्रोडक्शन के से लेके लास्ट तक पूरी की पूरी हमको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। सो आज की वीडियो मैंने आपको यही बताना था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स का शेयर करना, कॉमेंट करके बताना आपको कौन सी वीडियो चाहिए नेक्स्ट, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।